व्यवस्था को लेकर के अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री की देखरेख में ये बैठक चल रही है। शिक्षा व्यवस्था पर इस वक्त मंथन चल रहा है। कोरोना संकट में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर के विस्तार से चर्चा हो रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर बैठक में ये मंथन है। 1 जुलाई से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को बुलाने पर विचार विमर्श भी हो रहा है, क्योंकि इस बीच में 1 जुलाई से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को बुलाने के आदेश जारी किए गए थे। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के मुद्दे पर बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है कि इस बैठक में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के भी चर्चा होनी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस वक्त जारी है, जाहिर तौर पर जिस संकट के खड़े में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम विभागों को लेकर के जो प्लान और लाइन ऑफ एक्शन के साथ में चल रही है, अब उसमें शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो फैसले लिए गए हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश, उन फैसलों की समीक्षा के साथ साथ में धरातल पर जमीनी स्तर पर किस तौर के हालात हैं और जो फरमान जारी किए गए हैं इस बीच में उसको किस तरीके से आगे ले जाया जा सके, या हालात के नजरिए से, हालात के मद्देनजर किसी फैसले में किसी तरीके से रद्दबदल की कोई गुंजाइश है तो उसको बदलाव भी किया जाए। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है मुख्यमंत्री के निर्देश और उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि फैसले शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हैं। कोई जानकारी आ पा रही है कि क्या कुछ चीजें आज इस मंथन के बाद में निकल करके सामने आ सकता है? लगातार बैठक का दौर जारी है और उस पर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो कि डिप्टी सीएम डॉक्टर विजय शर्मा दे रहे हैं और साथ में है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। कोशिश की जा रही है कि किस तरह से बढ़ते कोरोना के बीच में शिक्षा के सत्र को बैलेंस किया जाए, भेद ना हो पाए, किसी भी तरह से उसमें भेद ना हो और शिक्षा लगातार जारी रहे, तो इसको लेकर के एक मंथन बैठक में चल रहा है। अभी किसी को कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो अंदाजा लग रहा है उससे इतना तो साफ है जी, फिलहाल अभी विद्यालय खुलते नजर नहीं आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पहले चलिए इंतजार करते हैं इस बैठक के खत्म होने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारी के लिए।